नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है A1 बुद्धा स्टोरी चैनल पर। तो दोस्तों, यहां आपको नई नई बुद्ध की अद्भुत प्रेरणादायक कहानियां देखने को मिलेंगी। इसे आप अपने जीवन में उतार कर आप सभी दुखों और मुसीबतों का निवारण कर सकेंगे। तो चलिए हम ऐसी ही एक कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक करके इस कहानी की शोभा जरूर बढ़ा दीजिएगा। दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स पाए यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा,
महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उसे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था।
राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 50 मोहरे दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। ये सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर क्यों आए हो। सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं, यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माता जी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम सूरज है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया। तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं,
वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। नहीं, महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। अपने शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपकी बुद्धि और शरीर के आगे कोई भी दुख और सुख और सर्दी गर्मी सब समान लगे, उसका आप पर कोई भी फर्क ना पड़े। ऐसे खुद को बनाने के लिए एक रहस्यमय प्राचीन रास्ता है। उसी रास्ते के बारे में हम आज कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत। पहली कहानी, एक साधु। एक जंगल में एक साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मग्न था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मग्न थे। इन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इन्हें सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है, सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो। तो उस साधु ने कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ वरना आप डूब जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह लोग भी वहां से नाव लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वह साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा रहा था। जब उन्होंने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने को कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में डूबकर ही मर गया। जब वो मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना आपको रात दिन याद किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था, 1 बार पैदल, 2री बार नाव लेकर और 3री बार हेलीकॉप्टर लेकर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, ये गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उसे व्यापारी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उसे व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहे क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी।
व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाली भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने दो पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे। और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे, और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं, तो कर्जा भी माफ नहीं होगा, और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला, और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया, और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकला था वह सफेद था या काला था। लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकला था, और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर निकला था, और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकला था वह सफेद था, इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया, और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है, और उसके सामने जो हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता हो, दो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब ये है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी जिंदगी की परेशानियां। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा, क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? हेलो, उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं हाँ, और वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे, वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदने हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं, और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चों ने थोड़ा सा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज करने, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। चार दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैं आपसे मैंने पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दो पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था, और उसकी जो टीनियां थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी, और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया?
उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो ख्वाजा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी, और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है, और जो तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है, और अब यह सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टीज से नहीं गुजारोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो, और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, दोस्तों प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टी, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टी हमें स्ट्रांग बनती है और हमारी ज़िंदगी में हमें ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने अपना घोंसला किसान के खेत में बनाया था। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया ने दो अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से दो बच्चे निकले। अब चिड़िया रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जाती और शाम को वापस आती। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा था। चिड़िया सुबह जाती और शाम को वापस आती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने के लिए गई थी, तो उस खेत का मालिक वहां पर आता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी फसल बढ़ चुकी है, कल अपने बेटों को बोलकर इसको कटवा दूंगा। ये बोलकर उस खेत का मालिक वहां से चला जाता है। ये बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली थी। जब शाम को चिड़िया वापस आई, उसके बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि आज खेत का मालिक आया था और वह कह रहा था कि कल अपने बेटों को बोलकर फसल कटवा दूंगा, और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा, हमें आज ही अपना घोंसला यहाँ से ले जाना चाहिए। ये सब बातें चिड़िया सुनी और अपने बच्चों से कहा कि तुम दोनों बेफिक्र होकर सो जाओ, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। और गजब की बात यह हुई, कल सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग एक हफ्ता गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर आया और फसल को देखकर उसने फिर से वही कहा कि अब तो फसल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, कल तो मेरे नौकरों के हाथ से इसे कटवाना ही पड़ेगा। यह बोलकर वहां से चला गया। जब शाम को चिड़िया दाना चुग कर वापस आई, फिर से उसके बच्चों ने उसे कहा कि आज फिर से खेत का मालिक आया था, और इस बार तो वह कह रहा था कि कल तो नौकरों के हाथ से फसल काटने ही पड़ेगी, माँ हमें जल्दी ही अपना घोंसला दूसरी जगह ले जाना चाहिए। फिर से चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि कल भी ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, और कल सुबह सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर लगभग दो हफ्ते गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर से अपनी खेत पर आया। उसने कहा कि अब तो कल आकर मुझे ही फसल काटनी पड़ेगी, और यह कहकर वो वहां से चला गया। फिर से जब शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आई, उसके बच्चे ने उससे कहा कि आज फिर से खेत का मालिक आया था, और अब तो उसने यह कहा है कि कल वह खुद आकर फसल काटेगा। बस यह सुनने के बाद चिड़िया तुरंत अपने बच्चों समेत अपना घोंसला उठाकर बाजू के खेत में लेकर चली गई। जब दूसरा दिन निकला और सुबह हुई, तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि वह किसान अपने खेत की फसल काट रहा था। यह देखने के बाद में बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि वो आपको कैसे पता था कि वह खेत का मालिक आज पक्का फसल कटेगा, हालांकि इससे पहले भी वह दो बार यही कह कर गया था। चिड़िया ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो इंसान है ना, जब तक अपने काम को दो बार टालता नहीं है तब तक उस काम को हाथ तक नहीं लगाता, फिर चाहे वह कितना भी छोटा काम हो। क्या चिड़िया ने अपने बच्चों से सही कहा? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं आपको आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको पता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है, जबकि इसका उल्टा है, आपके पास टाइम नहीं है बल्कि आपको देर हो चुकी है।
आपने बहुत टाइम कर दिया है, लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और आप अभी भी वहीं बैठकर यही सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत टाइम है। इन सब की एक ही प्रॉब्लम है और वह है काम को कल पर टालना, और आज के दौर में हमारी यह आदत बन चुकी है। चाहे वह कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, जब तक हम उसे कल पर नहीं टालते हैं तब तक हमें सुकून की नींद नहीं आती। अब काम को कल पर टालते रहते हैं यह कहकर कि आज मूड नहीं है, इस काम को कल देखेंगे, कल करेंगे, और वह कल कभी आता ही नहीं है। और हम उस काम को भूल जाते हैं अपने दूसरे कामों में, हम अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। और वह दूसरे काम कौन से हैं? रील्स देखना, सोशल मीडिया चलाना, फालतू के वीडियो देखना, जिन वीडियो का न सर होता है और न पैर, मतलब कि मीनिंगफुल बात तो कुछ होती ही नहीं है उन वीडियो में। इस तरह की वीडियो में हम ना जाने कितना टाइम बर्बाद कर देती है, और जो हमारे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। और फिर जब हमें याद आता है आज ही हमें उस काम को करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा दूसरा काम नहीं होगा, तब हम उस काम को करते हैं। मतलब यह है कि जब तक हमारे सर पर प्रेशर नहीं आता है तब तक हम उस काम को टालते रहते हैं। काम को टालना ऐसा ही है जैसे क्रेडिट, जब हम कोई चीज़ क्रेडिट पर लेते हैं तो हम उस चीज़ का फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, हफ्ते के बाद या महीने के बाद हमें उसका बिल पे करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, लोग क्या कहेंगे। एक बार की बात है, एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बाप ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया हुआ था और खुद गधे के साथ पैदल चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वह दोनों किसी गांव से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर कहा कि कैसा बेटा है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने बुजुर्ग आप को पैदल चल रहा है। लोगों की यह बातें सुनने के बाद बेटा गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने बाप को गधे के ऊपर बिठा दिया और फिर से दोनों अपने गांव की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से जब वह दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो उसे गांव के लोगों ने भी उन्हें देखा और कहा कि कैसा बाप है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने मासूम से बेटे को पैदल चल रहा है। लोगों की यह बात सुनने के बाद आप भी गधे से नीचे उतर गया और अब गधे पर ना ही बाप बैठा हुआ था और ना ही बेटा, और वह दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे। अब वह दोनों भी चलते चलते जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ और भी लोग गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने इन दोनों बाप बेटे को देखा और उन लोगों ने देखा कि उनके पास एक गड्ढा भी है और फिर भी यह दोनों पैदल चल रहे हैं, तो उन लोगों ने इन्हें देखकर कहा कि कैसे बेवकूफ लोग हैं कि इनके पास गड्ढा होने के बाद भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। अब लोगों की यह बात सुनने के बाद वह दोनों भी आप और बेटे उसे गधे के ऊपर बैठ गए और अपने गांव की तरफ चलने लगे। लेकिन फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद लोगों ने जब इन दोनों बाप बेटे को गधे के ऊपर एक साथ बैठा हुआ देखा तो कहने लगे कि कैसे इंसान है जो दोनों ही एक साथ उस बेचारे कमजोर गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और उसे गधे की जान निकल रहे हैं। इन दोनों के अंदर जरा भी दया नहीं है। अब यह सुनने के बाद दोनों बाप बैठों का दिमाग खराब हो गया और वह समझ गए कि अगर हम इन लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही डिसीजन लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, राजा और पत्थर। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के एक रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और खुद जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और छुपकर उस रास्ते पर नजर रखने लगा, यह देखने के लिए कि कौन उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटता है। थोड़ी देर के बाद उस रास्ते पर कुछ लोग आते हैं और उन लोगों को जब रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर दिखता है तो वह लोग रास्ता बदल देते हैं और दूसरी रास्ते से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसे रास्ते पर राजा की राजमहल की जो काम करने वाले थे वह आते हैं, और वह भी जब इस बड़े से पत्थर को देखते हैं तो बिना उस पत्थर को रास्ते से हटाए वो सब वहां से पलट कर चले जाते हैं और उल्टा राजा को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया
और बोले कि राजा अपने राज्य का काम ठीक से नहीं कर रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर पड़े हुए हैं, राजा को इसको हटाना चाहिए। लेकिन राजा का इसके तरफ ध्यान ही कहाँ है, यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे रास्ते पर एक सब्जी वाला आता है जिसके कंधे पर सब्जियां थी, और जब वह बड़े से पत्थर को देखा है तो वह अपने कंधे से सब्जियों का टोकरी रखकर उसे पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, और बहुत मेहनत के बाद वह सब्जी वाला उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटा देता है। जैसे ही उस पत्थर को रास्ते से हटता है, उस पत्थर के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के और एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा था कि इनाम राजा की तरफ से पत्थर हटाने वाले के लिए है। और यह सब होते हुए पेड़ के पीछे से राजा खुद देख रहा था। राजा उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को राजा अपने महल का सबसे खास आदमी बना लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे रास्ते में आने वाली परेशानियां, रुकावटें और मुश्किलें हमें बेहतर करने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। इसीलिए जिंदगी में जब भी ऐसा मौका मिले तो उस मौके को अपने हाथ से गवाह मत। बहुत से लोग ऐसे वक्त में मुश्किल काम को देखते ही अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन जब सब पीछे हट जाएं तो आप सामने आ जाओ, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो परेशानियां और रुकावटें में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और जब मौका मिलता है तो वही माँ का आपका फ्यूचर को बेहतर बनाती है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे सातवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। सातवीं कहानी एक आलसी एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ला और नाकारा था। पास वो हमेशा ऐसे मौके के खोज में रहता कि कहीं से उसको खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने के लिए भटक रहा था, तभी उसे एक फ्रूट का बगीचा दिखता है। वह उस बगीचे से फ्रूटस चुराने के बारे में सोचता है। तभी वो बगीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और वह इस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वह उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने को कहता है, लेकिन यह आलसी आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वह जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ समय बीतने के बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसके सिर्फ दो ही पैर थे और उसके दो पैर टूटे हुए थे, और वह जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह आलसी आदमी सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी, और कैसी है लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। वह आलसी आदमी अभी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ वह अपाहिज लोमड़ी रह जाती है, और वह आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देखकर वह आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वह शेर उसे गोश्त के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब वह लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी यह देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान होता ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। और तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, यह सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आदमी दो दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। वह आलसी आदमी उन बुजुर्ग से कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। तभी वह बुजुर्ग आदमी उसको कुछ खाने और पीने को दे देते हैं। खाना खाने के बाद वह आलसी आदमी उन बुजुर्ग से कहता है कि मैं दो दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिसे खुद शेर गोश्त लाकर दे रहा था खाने के लिए।
मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने उन बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मेरे साथ ही ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान तो जरूर होता है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वह तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हमारी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक डीप मीनिंग होता है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी। लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं है। ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है हमारी सिचुएशन को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे आठवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। आठवीं कहानी, एक जाल। दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, फिट कर दी गई है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। और यह बातें हमें हमारी स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। वह कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी बात की मैं बात कर रहा हूँ, वह आपको इस कहानी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है। उसके ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, उनमें से एक बंदर सीढ़ी चढ़ के केले खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों के आंख में ठंडा पानी डाल दिया जाता है। इसकी वजह से हो फिर नीचे उतर आता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है। वह जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब वह बंदर भी नीचे आ जाता है। सारे बंदरों को अब यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी पर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। फिर कुछ समय बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर और एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। नया वाला बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उस केले देखता है, और वह बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को यह बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल दिया जाता है और फिर एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है, और उस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डालते ही उसे केले दिखते हैं, और वो जैसे ही उसको खाने के लिए सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी धुलाई कर देते हैं। और धुलाई करने वाले बंदरों में से वह बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था। इसको भी पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है, और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। तो फिर धीरे धीरे करके उस पिंजरे में से सारे पुराने वाले बंदरों को निकाल दिया जाता है और उसमें सारे नए बंदरों को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे, और उस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वह भी हटा दी जाती है। पर अब जब भी कोई नया बंदर को उस पिंजरे में डाल रहे थे, अब वह नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी में अपनी पैर को रखता है, वैसे ही सारे बंदर मिलकर उसे नए बंदर की धुलाई कर देते हैं। और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरों के सपनों की धुलाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, हम उसको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वह डिमोटिवेट हो जाता है, और हमें भी ये पता नहीं होता है कि हम उसकी सपनों की धुलाई क्यों कर रही है और हम उसको ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने बाप दादा से यही सब कुछ सुना है ना, इसीलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डायलॉग जो होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा। आज तक किसी को भी नहीं मिला, तू चाहे कुछ भी कर, कितने भी बड़े सपने देख, अच्छे अच्छे को हमने फेल होते हुए देखा है। कुछ इस तरह के डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ठंडा पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी, वह अब हटा दी गई है। पहले का टाइम बहुत अलग था,
और अभी का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखा है, कोई आइडिया आता है, अगर वो उस बिजनेस का लोगों को बताता है तो लोग उसे कौन सा डायलॉग मारते हैं कि अभी धंधे पानी नहीं है, अभी के टाइम में काम धंधा नहीं है, तो कुछ भी कर तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हम सामने वाले बंदे से करते हैं, लेकिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वह सारे बंदरों से निपट कर उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर आखिरकार वो केले खा ही लेता है। और इसी तरह जितने भी हैं डिस्ट्रैक्शन है ना, और लोगों की बातें हैं, जो लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं, उन सबको साइड में करो यार, और अपने काम पर फोकस करो और अपने सपनों के सीढ़ी पर चढ़ते रहो। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पहले का टाइम गया, पहले के टाइम को भूल जाओ, अभी अब के टाइम में जियो यार। ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, अगर कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी। तो दोस्तों चलिए अब हमारे 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी जिंदगी बदलने वाली कहानी। ये कहानी एक आदमी की जो कि दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार वालों को पालने के लिए, अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए, जो कि हर आदमी करता है। लेकिन इसका जो बेटा था वह बिल्कुल ही आलसी और कामचोर था। वह सारा दिन सिर्फ मौज मस्ती करता रहता था और अपने आप की कमाई को खर्च करता रहता था। तो इस बात को लेकर वह आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब पानी सर को ऊपर से जाने लगा है, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, लेकिन शाम तक अगर पैसे कमा के नहीं लाए तो तुम्हें घर में आने नहीं दिया जाएगा। अब लड़का तो था ही आलसी, वो अपनी माँ के पास गया और सारी बातें बताने लगा। तो उसके माँ ने अपने पास से उसको कुछ पैसा दे दिया और कहने लगी, तुम अपने पापा को शाम में ये कहना कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब वह आदमी घर आया तो उसके बेटे ने उसके पास से सारे पैसे उसको दे दिए। वह आदमी को सब कुछ पता था, तो उसने अपने बेटे से क्या कहा, उसने ये कहा कि तुम इस पेज को कुएं में फेंक के आ जाओ। उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं पूछा और सीधा जाकर उसे पैसे को कुएं में फेंक कर आ गया। अगले दिन उसे आदमी ने अपनी बीवी को उसके मन के घर भेज दिया और अपने बेटे से कहने लगा कि मेरे बेटे तुझे आज और पैसे कम कर लेकर आने हैं। अब लड़का सीधा अपने बहन के पास गया और अपनी बहन को सारी बातें बताने लगा। तो उसके बहन ने भी उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और उसे कहने लगी कि शाम को जब पापा घर आएंगे तो ये पैसे उन्हें दे देना और कहना ये मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब आदमी घर आया, उसके बेटे ने फिर से अपने पास से जितने पैसे थे अपने आप को दे दिया। उस आदमी ने फिर से वही बात कही कि इस पेज को जाकर कुएं में फेंक कर आओ, और इस बार भी उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और सीधा जाकर कुएं में उन पैसों को फेंक कर आ गया। अगले दिन उसे आदमी ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा तुम्हें आज और पैसे कमा के लाने हैं। अब उसे लड़के के पास कोई भी रास्ता नहीं था, अब उसे लड़के को कोई भी पैसा देने वाला नहीं था, तो वह लड़का मरता क्या ना करता, रात को तो घर जाना ही है। इसलिए वह सारा दिन काम ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद उसे एक जगह काम मिल गया, एक ट्रक से भारी सामान उठाकर उस भारी सामान को दुकान में रखने का काम। सारा दिन बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी मेहनत की कमाई मिली। वह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। लेकिन फिर से उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि पैसों को कुएं में फेंक दें। उसका बेटा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि पापा ये मेरे पूरे दिन के मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक दूं। वह आदमी मुस्कुराकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी एक दिन की कमाई को मैं कुएं में देने की बात कही और तुम गुस्सा हो गए। तो सोचो जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को गवाते थे तो मुझे कैसा लगता होगा। दोस्तों बाप से अच्छी कोई दौलत नहीं है पूरी इस दुनिया में। उस इंसान ने आपके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने को खत्म कर दिया। जब भी जिंदगी में फिजूल खर्च करोगे तो उसे इंसान के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि वह इन पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता है सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए। और बाप के कमाने या ना कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप का होना ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करना कि उनका सर आपकी वजह से शर्म से झुक जाए। ऐसा काम करो उन्हें आप पर गर्व हो कि आप उनकी औलाद हो। एक छोटा सा शेर कह के इस कहानी को खत्म करता हूँ। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वह होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे। आज वही छड़ी का तलबगार होगा और जिसके सदके में जी रहे हो आज, वह ना रहा तो क्या होगा। पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। कब तक? जब अब तक के बाप का साया तुम्हारे साथ होगा।
और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का दरवाजा होगा। तो दोस्तों चलिए अब हमारे 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। विशाल नगर राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख और एक पैर था। इन कमजोरियों की बात भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन की बात है, राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए, जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। दोस्तों ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी वही अब एक और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है, रमण नगर राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। ये देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक्कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले, राजा तैयार हो गया।
और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मांसपटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र आसान तरीका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।